हे एवरी वन दिस इज चांदी दिनानी वेलकमिंग यू टू माइनेट एंड इन वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर ऑफ डिडर सप्लीमेंट्री रीडर दर इज टाइटल्ड एज चिल्ड्रन एट वर्क रिटर्न बाय गीता वुल्फ अनुष्का रविशंकर एंड सेन अब ये इतने सारे लोग इसीलिए हैं बिकॉज ये सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी नहीं है बल्कि दिस इज टेकन फ्रॉम अ बुक दैट इज फ्रॉम ट्रैश ऑन रैक पिक चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग जो कि इन तीनों ने मिलकर लिखी है एलस्ट्रेट की है तो ये जो पूरी स्टोरी है येस इट इज़ समथिंग विच इज टेकन फ्रॉम अ बुक दैट वॉज बेस्ड ऑन चाइल्ड लेबर स्पेसिफिकली ऑन रैक पिकिंग यानी अगर आपने देखा हो कहीं पे बहुत ज्यादा कचरे का ढेर वगैरह होता है तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो कुछ सैक्स के साथ कुछ बोरियों के साथ वहां से कचरा कलेक्ट कर रहे होते हैं लाइक like वो प्लास्टिक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं कुछ उनको खाने को मिल जाता है तो वहां से खा लेते हैं लेकर तो जो कुछ भी चीज़ें हम फेंक देते हैं ट्रैश वो सारी चीज़ों में से वो काम की चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती हैं वो उनको निकाल कर लेकर आते हैं फिर क्या करते हैं उसको बेचते हैं टू अ प्लेस जहाँ पे ये सारी चीज़ों की रिसाइकिलिंग होती है और इससे इनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं अब ये छोटे बच्चे जो हैं वो क्यों काम करते हैं इफ़ यू थिंक अबाउट इट या फिर हम कभी भी उनसे जाके बात करें तो इसके बहुत से रीज़न्स होते हैं कुछ के रीजंस ये होते हैं कि उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होती है बहुत बड़ी फैमिली होती है एंड पेरेंट्स फोर्स देम कि यू नीड टू गो एंड वर्क सो दैट हमारे घर के लिए थोड़े बहुत पैसे आ सके एंड इफ दे डिनाई अगर वो बोल देते कि नहीं हम नहीं करेंगे देन डेफिनेटली दे आर काइंड ऑफ यू नो बीटन या फिर बहुत बुरी तरीके विद विदम सेकेंड रीजन ये भी होता है कि कुछ बच्चे जो हैं दे काइंड ऑफ रन अवे फ्रॉम देयर हाउसेज बिकॉज ऑफ एनी रीजन और फिर अपने खुद के सर्वाइवल के लिए दे डू दिस टाइप ऑफ वर्क क्योंकि ऑब्वियसली काम नहीं मिल पाता है एंड दे आर काइंड ऑफ यू नो द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसिस फोर्स देम टू वर्क लाइक दिस एंड देन फाइनली दे इंडल्ज रैक पिकिंग और उससे फिर वो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं now why are we talking about this because this chapter itself children at work the title likha hua hai, is going to talk about this only specifically rag picker children and recycling so how there are some people who are यू नो फाइटिंग सो डिफिकल्टी के साथ विदर सिचुएशन जैसे कि हम जो हैं अभी घर जाएंगे बढ़िया खाना वाना मिलता है आप लोग जो है ये वीडियो देखोगे सेशन कंप्लीट हो जाएगा मॉम इज देयर रेडी कर देंगी खाना आपके फेवरेट उसमें भी कुछ पसंद नहीं आएगा तो यू विल बनाया मम्मी मुझे नहीं पसंद ये नहीं पसंद ये बना के दो बना के दो राइट सो वी आर हैप्पी विथ आर लाइफ बट जब हम ये सब चीजें देखते हैं कि देर आर पीपल जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब होती है एज कम्पेयर टू यूरो फैसिलिटीज़ हमें मिलती है उनकी जीरो पॉइंट वन परसेंट भी उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती देन वी काइंड ऑफ रियलाइज कि नहीं वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल थैंकफुल इन आर लाइफ कि एटलीस्ट हमारे पास ये सब चीज़ें हैं तो यही चीज़ यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली वो भी हम देखेंगे बट येस हम कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि बहुत से बच्चे हैं जो इस तरीके के काम करते हैं फॉर देयर मीयर सर्वाइवल फॉर सम रीजन और उनमें से ही एक स्टोरी जो है हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेलू एंड जया और उन्हीं पर बेस्ड ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है एक तो सप्लीमेंटरी रीडर की बात क्या है ना इतनी ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड नहीं बट बहुत डेप्थ वाली स्टोरीज है आपकी सो so दैट आपको इंटरेस्ट भी आया एंड ऑल्सो यू गेट टू लर्न अ लॉड ऑफ थिंग्स सो येस वी आर गोइंग टू डिस्कस दी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री पीपल हु हैव रिटन दिस पर्टिकुलर बुक दैर इज गीता वुल फनुष्कर रविशंकर उजीत सेन देन वी वुड डिस्कस इन जस्ट वन टू टू लाइंस के एक्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में बिगिन विथ बिफोर यू रीड पार्ट एंड दें वी विल मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर ऑलरेडी सो गीता वुल्फ वास बोर्न इन 1956 शी इज एन इंडियन लेखक पब्लिशर करेटर एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन पब बहुत वेल नोन ऑथर हैं हमारी इंडिया की शी इज अ पब्लिशर बुक्स छापने का काम भी करती हैं और वो खुद क्या है एक फाउंडर है वन ऑफ द फाउंडर्स बहुत सारे लोग मिलके जो हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन uh, इंस्टीट्यूशन या कोई भी चीज़ को सेटअप करते हैं कोई स्टार्टअप होता है उनका तो वो क्या कहलाते हैं फाउंडर्स राइट तो उनमें से एक फाउंडर कौन है गीता वुल्फ एंड शी इज अ फाउंडर ऑफ इंडियन पब्लिशिंग हाउस

वेरी प्राउड वी शुड बी दीज आर द को फाउंडर्स और फाउंडर्स ऑफ रिस्पेक्टिव पब्लिशिंग हाउसेस क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज ओरीजीत सेन ही डिजाइनर तो उन्होंने क्या किया उन्होंने इस नोवल में जो भी पिक्चर्स वगैरा है जो ग्राफिक है वो डिजाइन किए हैं की है, इस पूरी का फॉर्मेशन किया है, from वाली जो है जो हम बात कर रहे हैं जिसमें से ही चिल्ड्रन एटवर्क पार्ट लिया गया है इन

सो बिफोर यू रीड पार्ट सेनी रीजन वाई चिल्ड्रेन हैव टू वर्क बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे काम करते हैं सम ऑफ देम मैंने बताया फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं कुछ लोगों को पेरेंट्स फोर्स करते हैं कुछ लोगों को करना पड़ता है फॉर देयर ओन सर्वाइवल कुछ लोग खर्चित होते छोटे छोटे बच्चों की रोन कैसा होता है कि हम ये भी चीज़ ये भी चीज़ गलत चीज़ों में डल्स हो जाते हैं फॉर देट ऑब्वियसली पैसा चाहिए एंड इन दैट देआर फोर्स

अदर्स हुन अवे फ्रॉम आर हैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देम सेल्व एंड जैसे वेलू के साथ हुआ है कि वो लोग अपने घर से खुश नहीं हैं, या फैमिली से खुश नहीं है, है उसका कोई भी रीजन हो सकता है घर से भाग जाते हैं एंड उसके बाद ऑब्वियसली किसी और दूसरी जगह पे अकेले खुद रहने के लिए पैसे चाहिए तो वो सर्वाइवल के लिए दे काइंड ऑफ वर्क चिल्ड्रन हू हैव टू वर्क कान गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ दर एज एंड लाइक द वे वी डिड लाइक द वे यू डेड या आप करते हो दैट इज आप पढ़ाई भी कर रहे हो आप खेलने को भी मिलता है आपको आपको खाना मिलता है अच्छा अच्छा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं राइट right? आपको नहीं बोला गया ना आपको नहीं पता घर पर कितने क्या खर्चा होता है कितने किराना आता पता है क्या नहीं बिकॉज ये सब चीज़ें आपका हैड एक ही है ही नहीं. नहीं आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट एजुकेशन खेलना देन ऑब्वियसली खाना पीना एंड एवरी थिंग एल्स इज लाइक बोल सकते हो दैट इज ऑन दोल्डर्स ऑफ योर पेरेंट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस बट येस यहाँ पे कुछ लोग होते हैं बच्चे जिनके लिए लाइफ में एजुकेशन और खेलना कूदना होता ही नहीं है इट्स जस्ट दैट दे हैव टू वर्क सो दैट कुछ पैसे कमा पाए क्लियर ऑल राइट नाउ द स्टोरी बिगिंस बट इन दिस यू नो बुक सप्लीमेंट्री बुक आपको क्या दिया गया ना हर एक चैप्टर यानी जी जो भी स्टोरी है उसे जो वेरियस पार्ट्स हैं उसके पहले आपको कुछ पॉइंटर्स दे दिए जाते हैं जो कि शॉर्ट sort ऑफ of जो जैसे हम ये फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ना इस चैप्टर का तो इसका जो भी एसेंस है जो भी मेजर थिंग्स है वो सारे यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में समराइज हैं क्लियर तो क्या क्या देखने वाले हैं हम नंबर वन वेलू एंड इलेवन ईयर ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम तो वेलू क्या है भाई कितने साल के हैं ग्यारह साल के हैं इलेवन ईयर्स के हैं और वो अपने घर से भाग गए हैं

Tired and hungry, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. और वो बहुत थक चुके हैं obviously train journey भी बहुत लंबी थी ticket भी नहीं थी तो seat भी नहीं होगी right? और वो बहुत ज्यादा भूखे भी थे because पैसा नहीं था तो खाना कैसे खाते तो इसलिए उनको बहुत भूख भी लगी है और इस दोनों reasons से वो जो हैं बैठे हुए थे station पे उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है है कि थोड़ी बहुत होप है थोड़ी आशा है बिकॉज देर इज काइंड ऑफ अ वर्ड ऑफ वेलकम फॉर देम क्लियर ऑल राइट नॉलेज जस्ट बिगिन विद द स्टोरी दैट सेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट टुक वेलू समाइम टू गॉड ऑफ अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर टू गेट ऑफ सॉरी कि जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो ट्रेन का नाम है इट पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल पुल्ड इन का मतलब होता है अराइव यानी ट्रेन जो है वो पहुंच गई चेन्नई स्टेशन पे इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ तो वेलू को थोड़ा टाइम लगा कि वो ट्रेन से बाहर उतरे वो ट्रेन में बैठा था और उसको थो थोड़ा टाइम लगा कि वो बाहर उतरे When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. और जैसे ही वो ट्रेन से उतरा तो उसके पैर थोड़ जो है ना आप जब ट्रेन की जर्नी करते जर्नी किसी -किसी होती है पूरा टाइम वो ट्रेन का जैसे हिलती रहती है ट्रेन उसमें जब आप सो रहे हो खा रहे हो पी रहे हो एवरीथिंग इज डन इन दैट तो वो एक ऑफ ऐसे लगता है भूकंप टाइप की छोटा मोटा भूकंप की एक्सपीरियंस जैसा लगता है तो उस सिचुएशन के बाद जब ट्रेन फाइनली रुकती है बहुत जाते हो अपने स्टेशन पे जैसे उतरते हो तो आपका सर भी हिल रहा होता है और पूरे दिन जब आप सोते हो नॉर्मली भी घर पे तो आपको ऐसा लगता है ट्रेन में बैठे हो राइट तो एक दो दिन लगते हैं बाहर आने में सिमिलरली जब वेलू जो है वो इस जर्नी से फाइनली जब पहुंच जाता है वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं वो तो उनके पैर थोड़े अनस्टेडी फील कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली पूरा टाइम वो ट्रेन में थे एंड एज ए ही वॉज फीलिंग दैट ही स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन जैसे ट्रेन अभी चल रही है जब वो नीचे खड़े तो वो भी अनस्टेडी फील कर रहे थे बिकॉज ही वॉज लाइक अभी भी वो ट्रेन में है तो वो एक अभी भी चल रहा था दिमाग में उट ऑफ दॉटर वेंट बाय विद्रूली वेलू जैम अ वेलू खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे एकदम से उनको आवाज आती है कोई बोलता है ओए बिकॉज इट्स इन हिंदी राइट और वो बोलते हैं आउट ऑफ द वे रास्ते से हटो कौन था वो अ पॉटर वॉट इज पॉटर कूली ठीक है जो रेलवे स्टेशन पे लोड्स वगैरह उठाने काम करते हैं वो कूली की बात हो रही है तो कूली जो है या जो है वो सामान लेके जा रहे थे गोइंग विद लोडेड ट्रॉली ट्रॉली उस में बहुत सारा सामान था गोइंग फ्रॉम देयर वैल्यू जम्पड अ साइड और ऑब्वियसली वैल्यू ने देखा कि इतना ज्यादा हॉस पॉस हो रहा है सब कुछ तो वो साइड में हो गए बिकॉज उन्होंने उसको बोला ना हटो तो वो ट्रॉली से लग जाती है उसको तो वो भी जो है एकदम से साइड हो जाता है क्लियर ऑल राइट He sat on on a bench on the platform, putting his small bundle down. अब हर एक प्लेटफॉर्म पे क्या होता है स्टेशन पे बेंचेस लगी होती है छोटी मोटी राइट right? तो जिसपे लोग बैठ जाते हैं तो वो भी उसने भी क्या किया वेलू ने वो गया और एक बेंच पे बैठ गया एंड ही हैड अ स्मॉल बंडल एक छोटी सी पोर्टली थी उसके पास जिसमें उसकी जो भी चीजें होगी और वो जो है वो उसने साइड में रख दिया उसका बंडल एंड देन ही सैट ऑन अच्छ In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. तो वो एक गांव को belong करता था एक विलेज में रहता था और विलेज में इतनी ज्यादा population, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती है जितनी सिटीज में होती है राइट कंपेयर करें तो तो उसने अपने पूरे 11 साल जो काटे हैं लाइफ के उसमें कभी भी उसने इतनी ज्यादा भीड़ इतना इतने सारे लोग जो हैं वो कभी नहीं देखे थे बट येस ही सॉ दिस मच ऑफ क्राउड एट अ फेयर जब उसके मेला लगा था गांव में तब उसने इतनी भीड़ देखी थी एक साथ बाकी उसने कभी भी इतनी भीड़ एक साथ नहीं देखी थी जितनी कि रेलवे स्टेशन पर उसको देखने को मिल रही थी पीपल वॉकड बाय बंपिंग इन हिम विद विदूट केसेस और लोग जो हैं वो वहां से जा रहे थे आ रहे जा रहे थे बिल्कुल स्पीड में कोई बोर्ड कर रहा होगा ट्रेन को डी कर रहा होगा किसी को कहीं जाना तो बहुत ज्यादा भीड़ थी एंड पीपल वर बंपिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस और ऑब्वियसली स्टेशन पे है तो लोगों के पास लगेज होगा सूटकेसेस होंगे एंड दे वर काइंड ऑफ बंपिंग इन हिटिंग समथिंग विद फोर्स बाय एक्सीडेंट व्हेन यू आर मूविंग यानी जल्दी-जल्दी में चल रहे हैं तो सूटकेस लग रहे थे तो सूटकेस जो है वो वेलो को भी लग रहे थे और लोग बिल्कुल अपनी स्पीड में जा रहे थे

था, हमें भी पता है जब हम ऐसे पे जाते हैं it's like so annoying, right? हर कोई आ रहा है इधर से गए से बट तो तो वो स्टेयर्स होती, तो होती है जिससे आप बार बार यू नो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे होते हो दैट इज हॉरेबल राइट सो मेनी पीपल यू आर लाइक एनी मोमेंट यू आर गोइंग टू फॉल तो उस तरीके का सीनारियो है शोर है वेलो पुट इज हेड डाउन ऑन इज नीज फीलिंग मिसरेबल एंड एग्जॉस्टेड और ये बेंच पे बैठा हुआ था तो उसने क्या किया अपने घुटने ऐसे मोड़ के बैठा है तो अपना हेड जो है उसने नीचे करके वो बैठ गया क्यों क्योंकि वो बहुत मिसरेबल बहुत बुरा फील कर रहा था क्योंकि उसको पता ही नहीं कहाँ पहुंच गया क्या करूँ क्या नहीं करूँ एंड येस ही वॉज वेरी टायर्ड बहुत थक चुका था वो ही हैड रन अवे फ्रॉम इज विलेज टू डेज अगो और दो दिन पहले वो भागा था अपने गाँव से दो दिन से वो भागी रहा है ट्रेन की जर्नी और फिर कुछ खाया भी नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी कितनी बुरी हालत होगी वी कैन अंडरस्टैंड फॉर टू डेज यथिंग बट समीन एंड पीस ऑफरी पूरे दो दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ थोड़ा के दाने और जागरी यानी गुड़ तो गुड़ और मूंगफली हर हाट नथिंग इन बंडल शर्ट अ टाल एंड अ कोम और उसके पास जो बंडल था फिर उसमें क्या है तो उसमें एक शर्ट थी उसकी एक टाल था और एक कोम था एक कंगी थी असेंशियल so जो कैरी कर रहा था ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई तो वो अपने विलेज से कन्नौर तक वॉक ही कर रहा था पूरे दिन एंड देन फाइनली उसने एक ट्रेन बॉट की टू चेन्नई सो ही वॉज लाइक वेरी टायर्ड इतने टाइम से वॉक कर रहा था देन ट्रेन जर्नी कुछ खाया नहीं है थोड़ा बहुत बस गुड़ मूंगफली खाई है सो येस ही वॉज वेरी टायर्ड हंग्री एंड फीलिंग मिसरेबल क्लियर ऑल राइट वेल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकी द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट अब कुछ ऐसे कम्पार्टमेंट होते हैं ना जनरल कंपार्टमेंट ए सी वन टायर टू टायर थ्री टायर राइट तो इसी तरीके से क्या होता है एक होता है अनरिजर्व यू आर कंपार्टमेंट राइट तो वहां पर क्या होता है लोग ऐसे चढ़े आते हैं बिल्कुल जनरल में भी लोग ऐसे चढ़े जाते हैं बिना टिकट के फिर देन टीसी कम्स फिर चालान कटता है एवरीथिंग बहुत सारी चीजें होती राइट ट्रेन में तो वेलू हैड नो मनी टू अ टिकट ऑब्वियस ऐसा तो नहीं था कि वो बहुत पैसे वाला था या फिर वो घर से जो है पैसे चोरी करके आया था एवरीथिंग नहीं वो घर से क्यों भागा था उसका रीजन भी हम देखेंगे तो उसके पास पैसे नहीं थे सो ही हैड न थिंग नो मनी टू बाय अ टिकट सो ही जस्ट जस्ट उसने वो ट्रेन बोर्ड कर ली बस और वहां पर वो लकी था क्योंकि टीसी या जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो उस अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आए ही नहीं तो पता ही नहीं चला किसी को भी कि ये बच्चा जो है बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है he had tried to sleep on the floor near the door a group of men next to him had played cards and shouted all night to कहाँ सो रहा था आप देखते हो ना कि जब ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं जो विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, तो ऑब्वियसली सीट्स फुलफिल होती है तो ठीक है अगर नहीं होती खाली वाली होती तो बैठ जाते हैं पूरी है, ऑक्यूपाइड हैं तो फिर वो क्या करते हैं वो जो ट्रेन का डोर होता उसके है उसके आसपास जाके बैठ जाते हैं राइट सिमिलरली वेलू ने भी क्या किया वो उसी डोर के साइड में जो भी जगह थी वहां पर सो गया एंड देन वहीं पर बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ मैन थे कुछ लोगों ने अपना क्राउड बना के रखा था और वो लोग क्या कर रहे थे कार्ड्स खेल रहे थे ताश खेल रहे थे शाउटिंग फुल नाइट तो इतनी आवाज में वो इसीलिए उसकी इतनी नींद प्रॉपरली हुई नहीं होगी एंड यस ही वॉज वेरी टायर्ड ए वॉट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस तो ये सब चीजें जब वो सोच रहा है या वो बेंच पे बैठा है टायर्ड है उस वक्त एकदम से उसको एक अजीब सी रफ वॉइस सुनाई देती है और वो क्या बोलते हैं ए वॉट न्यू टू टाउन हाँ यानी कि वो उसको ए बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि अच्छा ठीक है तुम क्या नए हो इस टाउन में वेलू ओपन वेलू ने जैसी आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली और वो देखने लगा कि भाई कौन है जो उससे बात कर रहा है बहुत सारे लोग थे उसके आसपास, पर कोई उसको नहीं देख रहा था तो वो सोच रहा था भाई कि मेरे से कौन बात कर रहा है या फिर किसने ऐसा बोला अच्छा हो सकता है मुझसे नहीं बात कर रहे हो तो बहुत सी चीजें चल रही थी उसके दिमाग में। अराउंड फिर से आवाज आई कि उसी को कोई बुला रहा है कि इधर देखो तो वो जैसे ही पीछे मुड़ता है क्या देखता है बिहाइंड गर्ल हिज ओन एज उसके जस्ट पीछे एक लड़की खड़ी थी जो कि उसी की एज की होगी लाइक इलेवन की होगी so तो क्या पहना हुआ था एक बनियान पहनी हुई थी जो कि उसकी नीज तक आ रही थी ठीक है और वो जो है पीछे उसके खड़ी हुई थी एंड शी वॉज ऑफ इज ओन एज केम डाउन टू हर नीज हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हेड से और उसके बाल जो है बहुत कड़क रफ थे because oiling नहीं होती है, तो ऐसे हो जाते हैं हो गए थे बहुत, बहुत बहुत yes, वो जो जो है, उसके पास एक बोरी थी, एक 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 थी, थी, बड़ा सा साथ था, एक बहुत बड़ी सी बोरी थी, जो एक उसने शोल्डर पे कैरी की हुई थी जस्ट सी द इमेज इन दिस पिक्चर शी इज अ गर्ल इज ऑलमोस्ट ऑफ द एज ऑफ वेलू ह्यूज सैक ऑन हर शोल्डर वेरिंग दैट इज रीचिंग टू हर नीज एंड हैड हर बहुत कड़क हो गए थे एंड दे ब्राउनिश इन कलर शी वॉज पिकिंग अप डॉटी प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग वो कर क्या रही थी वो जितने भी नीचे प्लास्टिक के कप्स थे क्योंकि ट्रेन में सबसे ज्यादा अगर कोई कुछ खाता पीता तो वो चाय है राइट तो बहुत ज्यादा चाय पीते लोग एंड वॉट दे डू इज दे थ्रो इट एनी वेर पहले डस्टबिन दिखेगा तो भी भारी फेंकेंगे तो वॉट शी वॉज डूंग प्लास्टिक कप्स को उठाकर उनक्स में भर रही थी वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू अब वेल्यू सोच रहा था बुझी क्यों बुला रही है तो नहीं जानता इसको एंड वाई इज अ गर्ल वेरिंग अ बेनियन एंड शी वॉज लाइक गर्ल इज वेरिंग अ बेनियन बिकॉज दिस समथिंग जो ये वो पहनी हुई थी वो लड़के पहनते हैं तो वो ये क्यों पहनी हुई थी वो यही सोच रहा था नो नीड टू स्टेस टू पिडली वॉट अम Value muttered, value away. तो वो बोलती है ऐसे मत देखो की तरह मुझे तो तो उतना इंटरेस्टेड नहीं था तो इधर उधर दे, देखने लगा सो मिस्टर वेलू सेट द गर्ल लुकिंग एट हिस्स बंडल रन अवे फ्रॉम होम तो वो जो है वेलू को देखती है लड़की और वो उसको बोलती है मिस्टर वेलू उसके बंडल को देख के समझ जाती है कि ये क्या तुम क्या अपने घर से भाग कर आयो बिकॉज अकेला बच्चा है हाथ में बंडल भी है इसका मतलब पक्का घर से कहीं भाग के आया है वेलू डिड नॉट आंसर ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन तो वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया उसने जवाब नहीं दिया कि वो घर से भागा है नहीं भागा है क्यों भागा है एवरी थिंग बिकॉज वो किसी ऐसे स्ट्रेंजर को जिसे वो जानता ही नहीं है उसको नहीं बताना चाहता था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ he had run away because he could not stand his father beating him for one more day. तो वो क्यों भागा था घर से? Because his papa was बहुत मारते थे. He used to beat him up. तो वो एक और दिन उनकी मार में ही खा सकता था बहुत ज़्यादा हो गया था उसके लिए. इसीलिए वो परेशान होकर घर से भाग गया था. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spent it on drink. तो वो और उसकी जितनी बहनें हैं कि जितना भी पैसा कमाते थे वो लोग लो रोज़ काम वाप करके उनके पापा वो पूरे पैसे उनसे छीन लेते थे एंड देन ही यूज टू ड्रिंक ही वॉज अ ड्रंकर्ड तो एल्कोहल पर पूरा पैसा जो है वो वेस्ट कर देते थे एंड दिस इज़ समथिंग जो कि आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि जो भी बच्चे ऐसे काम वाम कर रहे होते हैं उनके घर की जो ज़्यादातर ये जो कहानी होती है वो यही होती है दैट देयर फादर इज़ नॉट वर्किंग

Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you doing to do? है become rich? तो क्या हो गया वो जब लड़की से वो बताता नहीं है ना वे कि वो घर से भागा है कि नहीं भागा है तो वो लड़की उसको बोलती है कि ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम घर से भागे हो ठीक है मुझे सब पता है क्योंकि तुम्हारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं यानी कि आए दिन कोई कोई ऐसे आता ही रहता है बच्चा जो पे काम करता है, घर से भागा हुआ होता है तो इट वॉज नॉर्मल बड़े इंसान बनने हो बिकॉज विलेज से बड़ी बड़ी सिटीज में जाते लोग यही दिखाते मूवीज में भी कि बड़ा आदमी बनना है पढ़ लिख कर कुछ पैसे वैसे है तो वो यहाँ पे ह्यूमरस वे में हंसी मजाक करती है लड़की और बोलती है अच्छा यहाँ क्या करने आयो पैसे वाले बनने आयो

उसको भूक लग रही थी उसको बहुत दर्द हो रहा था पेट में खाली पेट था वो तो वो अपने पेट को पकड़ लेता है एंड ग्रिमेस मीन ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ड्यू टू पेट इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है ना दर्द की वजह से तो उस तरीके का फेस पे उसका एक्सप्रेशन था एंड ही वॉज जस्ट लाइक होल्डिंग हिज ओन स्टमक हंग्री आज द गर्ल अब जब वो ऐसे पेट पकड़ के ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है तो लड़की समझ गई थी कि इसको भूख लगी है तो वो पूछती क्या तुम्हें तो भूख लगी है यू वोट गेट फूड बासिंग है ग्लमली मेकिंग फेसिस तो वो लड़की बोलती है वेलू से कि तुमको खाना ऐसी नहीं मिल जाएगा कि तुम ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हो बिल्कुल सैडली ग्लूमिली डिप्रेस होकर बैठ गए और ऐसे तुमको बैठे बैठे खाना मिल जाएगा यू वुड नोट यू वोट गेट फूड लाइक दिस i can find some if you want but अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूं shipick the purse and started to walk away और ये बोलकर वो अपना उसने साक बोरी उठाई और वो वहां से जाने लगी तो वेलू को उसने बोला ये चीज कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। वेलू स्टेड ऑन द बेंच व्हाट शुड ही डू शुड ही फॉलो दिस गर्ल वे वॉज शी गोइंग टू टेक हिम। अब वेलू जो है बेंच पे बैठा था और बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी मैं क्या करूँ क्या मुझे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए क्या मुझे कहाँ लेके जाएगी बिकॉज वेलू वॉज लाइक वेरी बोल सकते हो पहली बार वो इतनी बड़ी सिटी में था राइट ही पीपल टुगेदर तो बहुत डरा हुआ था सिर्फ ग्यारह साल का बच्चा है सो ही वॉज लाइक उसको पता भी नहीं है कि क्या करना है। तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि ये लड़की के पीछे पी जाऊंगा तो मुझे कहाँ लेके जाएगी क्या होगा एंड देन शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड भीड़ थी बहुत तो वो जा रही जाती जा रही थी एंड इट वॉज लाइक वो भीड़ में पार्ट बन जाती क्राउड का तो फिर वो दिखती ही नहीं किसको वेलू को सो ही हैड टू मेकअप इज माइंड क्विकली और इसीलिए उसको बहुत जल्दी ही डिसीजन लेना था मेकअप इज माइंड मतलब एक डिसीजन पे आना तो उसको बहुत जल्दी डिसीजन लेना था कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है इस लड़की के साथ ऑल राइट ही डिसाइडेड एनी वे आई हैव नो आइडिया वे टू गो तो फाइनली वेलू कि देख पाऊ में आता है कि नहीं मैं इस लड़की के पीछे चला जाता हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है मैं सिटी में किसी को जानता भी नहीं हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आई शुड जस्ट गो बिहाइंड दिस गर्ल या फिर मेरे को उसके साथ चले जाना चाहिए He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. तो so, वो एकदम से कूदा बेंच से और वो उसको देखने लगा उसके पीछे पीछे जाने लगा भाग भाग के भाई वो जल्दी से जल्दी क्राउड का पार्टनर बन जाए बट वो लड़की ने जो है पीछे एक बार मुड़के भी नहीं देखा कि वो था भी कि नहीं या फिर वो आया भी कि नहीं वो उसके लिए शायद नॉर्मल होगा ऐसा तो था नहीं उसके लिए की पहली बार यू you नो know, वो किसी को बोल रही है हेल्प के लिए तो ऐसी थी कि नहीं, नहीं, नहीं उसको लेके जाऊँ तो मे भी इट वॉज लाइक नॉर्मल फॉर हम पीछे देख भी नहीं रही थी बट वेलू येस ही जम्ड अप्रॉम द बेंच एंड रन आफ्टर हर देन कम्स द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी तो फर्स्ट हाफ समझ आ गया आपको अभी तक क्या हुआ है वेलू फाइनली इस लड़की के साथ जा चुका है नॉलेट सी क्या ये गर्ल उसको खाना दे पाएगी वॉट एग्जैक्टली वुड है इन द नेक्स्ट हाफ सो वेलू फॉलोज इज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अग बिल्डिंग तो वेलू जो है अपनी फ्रेंड यानी ये जो लड़की थी उसके साथ जाता है एंड वो कहाँ जाता है थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग बहुत ज्यादा क्राउडेड गलियां थी स्ट्रीट थी सड़कें थी और वहां से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता है बिकॉज इट्स अ सिटी और विलेज में इतनी बिल्डिंग्स नहीं होती है

ही कॉटअप विदर्ल एज लीविंग द स्टेशन अब वो स्टेशन छोड़ के जा ही रही थी ये लड़की तो वो वेलू उसके साथ जल्दी जल्दी भाग भाग के जाता है सो so दैट वो मिस ना कर दे वेन दे गोट टू द रोड वेलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नवर स्टॉप फॉर एनी वन और जब वो रोड पे आ गया था उस लड़की के साथ वेन ही द रोड तो वेलू ने एक चीज ऑब्जर्व की कि व्हीकल जो हैं गाड़ियाँ जो हैं वो बार बार आ रही जा रही थी और वो बिल्कुल रुक नहीं रही थी हर जगह से धुआं डस्ट बहुत ज्यादा धूल ये, ये सभी चीजें हो रही थी अच्छी स्पीड में आती जाती है सिटीज में किसी के लिए रुकती भी नहीं है बहुत बहुत ज्यादा धूल मिट्टी धुआं धुआं हो जाता है पोल्यूशन इसीलिए फैल रहा है तो ये सब देख देख कर वैलू जो है कि गिविंग हेम अड एक और मेकिंग डिजीज उसको चक्कर आ रहे थे उसको बहुत सर दुख रहा था ये सब चीजें देखकर they had to wait for a long time before they could find a gap to run through and yes जब गाड़ियाँ आती जाती है तो हम वेट करते ना कि हाँ एकदम से बहुत ज्यादा गैप होगा जब गाड़ी थोड़ी दूर होगी तो हम जल्दी से दूसरे साइड चले जाएंगे तो इस तरीके से वेलू एंड पर्टिकुलर गर्ल वेटिंग असाइड अ रोड और वो जो है वेट कर रहे थे कि भाई गाड़ियां जाए गैप आए थोड़ा ज्यादा मतलब तो थोड़ी दूर हो गाड़ी तो वहां से वो चले जाएंगे वेलू हेज़िटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग हिम टू अदर साइड अब वेलू बड़े धीरे धीरे चल रहा है वो डरा हुआ इतनी गाड़ियां आ रही एंड ऑल पर ये लड़की को तो आदत थी तो उसने जो है उसको पकड़ के बिल्कुल ड्रैक किया शीज ड्रैक्ट हिम एकदम से खींच के उसको लेके गई वट डू यू थिंक यू आर डूंग्रेजिंग काउस क्या लग रहा है क्या, तुम क्या, को रहे गाड़िया वाड़िया होती है फील्ड में तो शी वॉज लाइक बहुत अच्छा सेंस ऑफ फ्यूबर है इस बच्ची का तो वो बोलती है तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या यू you नो know, ग्रेस कर आ रहे हो काउ को क्यू अच्छा, अच्छे से खड़े हुए हो बिकॉज इतनी सारी गाड़ियां आ रही है क्रॉस करना चाहिए around in the middle of the road like that, you will be चटनी तो एक और सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात प्रूफ होती है यहाँ पे कि वो उसको बोलती है अगर तुम ऐसे ही बीच में खड़े रहोगे सड़क के तो कोई भी गाड़ी आएगी और तुमको चटनी बना के चली जाएगी यानी कि इस तरीके से तुम पे गाड़ी चढ़ जाएगी कि तुम पूरे स्क्वैश एक तरीके से तो स्क्वीज हो जाओगे क्लियर सो so, चटनी मीन्स रन ओवर और किल्ड क्रश्ड एंड ग्राउंड इन चटनी तो बिल्कुल क्रश्ड हो जाओगे जैसे कि चटनी बन जाती है किसी भी चीज़ की तो ये एक मजाक के फॉर्म में बट उसको समझाती है वेलोज हार्ट वॉर स्टिल बीटिंग फास्ट बट यस बढ़िया के लिए इतनी ज्यादा गाड़ियां और ऐसा बिल्कुल कि कभी भी कोई गाड़ी चल सकती है तो उसके लिए हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी बहुत ज़्यादा वो डर गया था ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय तो पीछे वो देखता है तो क्या था सेंट्रल स्टेशन यानी कि जो रेलवे स्टेशन था वो और फिर उसको ट्रैफिक दिख रहा था कि जो बढ़ता ही जा रहा था बिल्कुल गाड़ियां आ रही जा रही थी सो इट वॉज गेरिंग लाइक वेरी लार्ज बहुत ज्यादा गाड़ियां बढ़ती जा रही थी तो इस तरीके से अब फाइनली उन्होंने रोड क्रॉस कर लिया है डन ऑल राइट हाउ हार्ड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट दे वॉक दाइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड तो जैसे ही वेलू देखता है कि स्पीड होती बढ़ती जा रही है व्हीकल्स की ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और इतना ज्यादा क्राउड है तो वो यही सोच रहा था कि हम वहां से यहाँ तक आए कैसे है मतलब इट वॉज लाइक फॉर हिम इट वॉज सो डिफिकल्टे जब वो देख रहा था इतनी दूर इतनी सारी गाड़ियां तो वो शौक था कि वो इतनी गाड़ियों में से कैसे निकल के उस लड़की के साथ दूसरे साइड पे आ गया था एंड देन वो लोग जो है रोड पे वॉक कर रहे थे वेलू एंड दिस गर्ल और ये लोग वॉक वॉक कर रहे थे अंडर साइन बोर्ड्स बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं राइट एडवर्टीजमेंट होती है उस पर तो जो भी साइन बोर्ड्स थे उनके नीचे वॉक कर रहा था उसको साइन एडवर्टीजमेंट दिख रहे थे किसी में कोई थी, Then, pens, tires, so ads, तो वो साइन बोर्ड वो देख पा रहा था द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिड नॉट नो वॉट इट मेन्ट और सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था इट्स बिग सिटी चेन्नई तो यहां पर वो जो है जितने भी साइन बोर्ड देख पा रहा था एवरीथिंग वाज मेंशन इन इंग्लिश लैंग्वेज और वो ये पढ़ता नहीं जानता था सो ही कुड नॉट रीड इट द गर्ल टर्न आउट ऑन टू अ वाइट ब्रिज एंड वॉक आप और फिर वैसे ही लड़की जो है शी जस्ट ऑन टू अ व्हाइट ब्रिज बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ था वो उस पर चढ़ आती है एंड देन वो वहां से वॉक कर रहे थे वेलू स्टॉप एंड पीप ओवर द रेलिंग अब जब भी कोई फर्स्ट टाइम के लिए ब्रिज वगैरह चढ़ता है तो यही करता है ना वो जो रेलिंग की बाउंड्री होती है उस पर खड़े होकर नीचे देख रहा होता है आसपास देख रहा होता है तो यही वेलू का रिएक्शन था बिकॉज विलेज में ये सब चीजें नहीं होंगी तो वो भी रेलिंग को पकड़ के खड़ा हो गया वहां पर एंड वो जस्ट ऑब्जर्व है Under him the road ran into the city in the distance he could see huge buildings and towers and more रोड अब वो जो है नीचे क्या देख पा रहा था रेलिंग से रोड है वही रोड राइट ब्रिज है तो ऊपर होगा वो नीचे टावर्स फिर से बड़ा बड़ा रोड जो है ये सब चीजें उसको वहां से दिख रही थी सी दैट बिग बिल्डिंग विद अराउंड इट इफ यू आर नॉट केयरफुलर तो एक

वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल अब वेलू जो है वो एक आंख बंद करके ध्यान से देख रहा था क्या लिखा है और वो तमिल लैंग्वेज में लिखा था तो उसने पढ़ लिया क्या लिखा था सेंट्रल जेल स्क्विंटेड मींस टू लुक एट समथिंग विद योर आईज ऑलमोस्ट क्लोज ऐसे करके जो देखते हैं ना उसको स्क्विंटेड कहते हैं वाई आई है जैसी देखता है कि भाई ये तो जेल है तो वेलू बोलता भाई मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं वहां क्यों जाऊंगा यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल तो वो वेलू को समझाती है तुम्हें तो कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है बस ध्यान रखोग तुम्हें तो पुलिस पकड़ के नहीं ले जाए बिकॉज इन दिस सिटी इफ यू डू एनी थिंग और वैसे भी बच्चा है काम वाम करते हैं जो ये लोग तो अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो उनको पकड़ के पुलिस ले जाती है वॉट डज शी मीन वेलू वर अब वेलू के लिए बहुत अजीब था शी ही वॉज लाइक कि क्या बोलना चाह रही है क्यों जाऊंगा मैं जेल और मैं कुछ गलत नहीं करूंगा बस मेरे को पकड़ में नहीं आना है तो ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रही थी

और अभी सुबह ही थी बट ये साउथ एरिया भी है और बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी भी होती है तो ये जो सन है या सूरज की रोशनी है वो बहुत ज्यादा पड़ रही थी बहुत गर्मी थी और तार का रोड बना होता है राइट विलेज में तो मिट्टी मिट्टी के रोड होते हैं तार मीन इज ऑप्टेन फ्रॉम कोल एंड इज यूज फॉर मेकिंग रोड्स तो ये जो रोड होते हैं हमारे गर्मी में कितने ज्यादा अगर आप बैर फीट चल ही नहीं सकते इस पर बट वेलू ने कोई चप्पल कोई स्लिपर कोई फुटवेयर नहीं पहना था तो उसके पैर जो है जल रहे थे इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मर्ड रोड जैसे कि वो विलेज में मिट्टी के रोड पे चलता था वैसा कुछ भी नहीं था वॉज सोग्ड विथ स्वेट उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था बहुत पूरी तरीके से ड्रेंच हो गया था उससे ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप गर्ल एट द सेव टाइम तो वो पूरी कोशिश कर रहा था बट थोड़ा मुश्किल था उसके लिए कि वो छाऊँ छाँव में ही चले शाडों में ही चले बट यस उसको उस लड़की के साथ भी चलते जाना था शी वॉकड रियली फास्ट हाउ फार अवे वॉज द फूड क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी और ये थोड़ा टायर्ड भी था हंग्री भी था बहुत गर्मी भी लग रही थी फुटवेयर भी नहीं था तो इसीलिए ये थोड़ा स्लो चल रहा था तो इसीलिए उसको जल्दी जल्दी चलना भी पड़ रहा था बिकॉज वो लड़की आगे ना बढ़ जाए एंड ऑल्सो उसको दिमाग में यही चल रहा था कि कितनी दूर है खाना क्योंकि वो खाने के लिए ही गया था इस लड़की के साथ

और फिर उसके बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर ये लोग रुक जाते हैं श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणन मंडपम रेड वेलू स्लोली वेलू धीरे धीरे पढ़ रहा था ये लैंग्वेज उसको आती थी तो इस तरीके से लिखा हुआ था इट मंडपम यानी कि एक वेडिंग हॉल था थाटर्स मेर ऑफ सेट ग्रूम जे वी विनागन एंड ब्राइड रानी और एक बिल्कुल फ्लार से फूलों से यूज किया हुआ एक साइन बना था जिस पे धूले का नाम और दुल्हन का नाम लिखा हुआ था यानी कि जो कपल थे जिनकी शादी हो रही थी इस हॉल में उनका नाम मैंशन

देर वॉज अग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग वो बोलती है उम्मीद रखो होप इज समिंग जो नो you know, हमेशा रखना चाहिए एंड देन वो उसको पीछे ले जाती है हॉल के और वहां पर बहुत बड़ा कचरे का डब्बा था जिसमें ओवरफ्लो यानी इतना ज्यादा कचरा था कि वो बाहर गिर रहा था और हर चीज थी इसमें जो भी लोग वहां पे फेंक रहे थे टू गोट्स पर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीव और वहां पर दो गोट्स भी थी दो बकरिया भी थी एंड देर लाइफ फाइटिंग फॉर अ बनाना लीप तो so, इस तरीके का वो सिनेरियो था बहुत ज्यादा कचरा था देखो तो ओवरफ्लोइंग यहाँ पे टू गोर्स हैं दे आर फाइटिंग फॉर वन बनाना ली अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ड अराउंड देयर लेग्स दे वर रॉटन स्मेल इन द एयर और वहाँ पर सब मक्खियां भी मिन आ रही थी बिकॉज ऑब्वियसली इतना सारा कचरा था देन बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी रोटन स्मेल आ रही थी द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेल हैज योर फूड एंड देन द गर्ल शिपिक बनाना जो कि थोड़ा स्क्वैशी था बहुत ज्यादा क्रस्ट था पिलपिला बोलते जैसे हम हिंदी में बहुत ज्यादा अजीब सा वो हो गया था रॉटन बनाना था और वो पिक करके वो वेल्यू को देती है कि तुम ये खाओ वेल्यू वॉज शॉक्ड आर वी क्विंट टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स तो ये वेल्यू देखता है उसने कभी ऐसा तो किया नहीं है कभी लाइफ में तो वो बोलता है ये बच्चा कुछा खाना है जो लोगों का झूठा है वो हम खाने वाले हैं छी वॉट डू यू थिंक आई एम वेल्लू को बहुत गुस्सा आ जाता है। है वो बोलता है कि कि so like, क्या मैं एक कि मैं डॉग लेफ्ट ओवर कुछ भी उठा के खा लूंगा मैं सिर्फ अनटच फूड लेता यानी जिसने किसी को छूट, जो झूठा ना हो खाना जो फ्रेश हो मैं वही खाता हूँ लुक डेटेड विथ डिस और वो तो सुन ही नहीं रही वो तो बिल्कुल खाना ढूंढ रही है उसको एक वड़ा भी मिलता है वो बोलती ये लो एक और चीज और उसको फेंक के देती है कैच करने के लिए देती है बट वेलू जो है उस बड़े को कैसे देखता है वे डिस्टेस्ट यानी कि नॉट लाइकिंग समथिंग ऐसे देख रहा था जैसे क्या है बहुत उसको बहुत ज्यादा तो ग्रोस फील हो रहा था कम ऑन हीरो ईट इट यू थिंक आई लाइक इट तो लड़की बोलती है कि कम ऑन ए हीरो ईट इट तो वो बहुत ज्यादा हीरो बहुत बोल सकते बोल्ड ब्रेव लड़की है और वो उसको बोलती है तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें खाना आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी तो वो बोलती है वेलू से मैंने तुम्हें ये बोला था कि मैं तुम्हें खाना दूंगी मैंने ये नहीं बोला था कि मेरे पास पैसे हैं मैं तुम्हें खरीद के दूंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो जब तक तुम्हारे पास भी पैसे नहीं आ जाते खाना खरीदने की तब तक तुमको तो इसी तरीके से खाना खाना पड़ेगा

He could could have eaten at least 10 times more, more but but the girl could find only one more banana which she ate herself. yes, और और खा उस लड़की को और कुछ नहीं मिला एक और बनाना मिला जो कि उसने खुद खा लिया It's too early, they have only eaten tiffin. तो वे लोग और ये लोग जब ये सब खा लेते बनाना वड़ा वगैरह तो वो बोलती हैं इसको कि अभी बहुत जल्दी ही हुआ है तो इसीलिए जो भी शादी में लोग आए उन्होंने सिर्फ स्नैक्स खाए टिफिन मतलब स्नैक्स तो सिर्फ बनाना बड़ा यही सब था डबिन में बट ये इफ यू आर स्टिल हंग्री अगर अभी भी तुम्हें भूख लगी है यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि वो लोग लंच वंच खा लें फिर उसके बाद वो जो भी लेफ्ट ओवर फेंकेंगे वो हम उससे खाना मिल जाएगा हमको यू कैन वेट इफ यू वॉन्ट बट वो बोलती है अगर तुम्हें भूख लगी है तुम चाहते हो तो तुम वेट करो शी पिक कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक देन शी वॉकड ऑफ फिर वो बोलती है तुम्हें वेट करना है करो बट ऑब्वियसली उसको

it was better to stick to her she seemed to know her way round he ran after her again eh he called he did not even know the girl's name

सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया तो वो फिर हंसी मजाक की बात करती शी हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ यूमर तो वो बोलती है अच्छा तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलो तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता एंड देन शी टेल्स कि मेरा नाम क्या है जया आई एम नॉट फॉलोइंग यू ट देन हु गॉट यू फूड तो वो बोलता है वेलू मैं तुम्हारा कोई पीछा पीछा नहीं कर रहा हूँ तो वो बोलती है अच्छा फिर तुमको खाना किसने दिया कैन आई कम विथ यू वेर आर यू गोइंग तो वो डायरेक्टली पूछता है वेलू कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ तुम कहा जा रहे हो कम इफ यू वॉन्ट दिस बैग इज फुल आई हैव टू गो होम टू गेट अनादर वो बोलती है ठीक है तुम मुझे आना चाहते हो तो आ सकते हो और क्योंकि ये सैक पूरी जो बोरी है मेरी भर गई है तो मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा ताकि मैं दूसरा सैक या दूसरी बोरी लेकर आ सकू यानी शी वॉज गोइंग टू हर होम हम क्या देखने वाले है? स्टोरी के वो समराइज कर लेते हैं और अदर लिक्विड स्पेशली रेन दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड जैसे नी गे हो जाते बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है उसे पर्डल कहते हैं तो एक रोव हर्ट है, है बहुत झोपड़ियां बनी हुई है और वहां पे बहुत सारा गड्ढे हैं जहां पे पानी वानी भरा हुआ है आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट जया डम्स और उन्हीं में से एक हर्ट के बाहर यानी जो उसका घर होगा उसके बाहर वो बोरी वहां पर रख देती है ग्रेटफुल टू हिस फ्रेंड वेलू थिंग्स ऑफ द डेज अ हैर और क्योंकि ये फ्रेंड बन चुकी है वेलू की और वेलू हमेशा इसके लिए ग्रेटफुल रहेगा एंड देन वो अपने आगे के दिन के बारे में सोचता है जो लाइफ है जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचता है क्लियर ऑल राइट सो द थर्ड पार्ट से जय वेलू वॉक अलॉन्ग द रोड फॉर हाफ एन आवर एंडिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वॉटर फाइनली ये लोग आधे घंटे के लिए फिर रोड पर वॉक करते हैं एंड देन ये कहाँ पहुंचते हैं टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वॉटर यानी गंदा पानी था वहाँ पर बहुत सारा थोड़ा थोड़ा पानी था पर बहुत गंदा गंदा पानी था और वहाँ तक वो पहुंच जाते हैं वी आर एन ट्रिप्लीकेन नाम तो वो बताती है कि हम ट्रिप्लीकेन नाम की जगह पे हैं

शी थ्रू हेम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुस्ड अ स्टिक इन टू हिस्स हैंड्स तो वो उसको पुराने जूते देती है जिसमें लेसेज नहीं थी एक सैक देती है और एक स्टिक देती है तो अगर हम पिक्चर में भी देखें तो हम देख सकते हैं कि वो वेलू को एक स्टिक पकड़ाती है एक सैक पकड़ाती है और ऐसे जूते दे देती है क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं था ना उसका उस फुटवेयर नहीं था और उसमें लेसेस नहीं है देन वॉट वेलू वॉज कंफ्यूज वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विदीस थिंग्स वेलू वॉर सरप्राइज था शॉक था कि ये सब चीजों के साथ कौन सा काम होता है द ओनली वर्क यूड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्मीडिंग एंड टेकिंग काउ आउट To graze. अभी तक उसने भी काम किया था, वो क्या-क्या तो वीडिंग, वीडिंग जंगली घास हो जाती है फील्ड में उसको प्लक करने का काम ठीक तो है एंड उसने काउस आउट टू ग्रेस और जो काउज है जो गाय जलाने का काम होता है उसने वही किया है बाकी स्टिक बोरी इन सब के साथ उसने कभी कोई काम नहीं किया था

यू कलेक्ट अ थिंग अब वेल्यू को नहीं पता था कि कोई कचरा कलेक्ट करने का काम करता है तो वो ऐसा था कि तुम ये सब चीजें कलेक्ट करती हो ए ब्लॉक हेड तो वो बोलती है जया हे स्टूपेड हे फूल ब्लॉक हेड मतलब उसका दिमाग बंद हो तो वो बोलती है अरे तुम पागल हो क्या इस तरीके से उसने शायद हिंदी में बोला होगा इट्स नॉट एनी रबेज ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स तो वो बोलती है सिर्फ हर कोई कचरा नहीं जो चीज़ें ऐसी हो जैसे पेपर हो गया प्लास्टिक हो गई बॉटल्स हो गई ये सब चीज़ें मैं कलेक्ट करती हूँ वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू और हम जो है जाम बाज़ार में जग्गू के पास इसको सेल करते हैं

You know, buys all these things, ताकि वो इन सब चीजों को फैक्ट्री भेज सके बिकॉज फैक्ट्रीज होती है जो रिसाइकिल करती है इनको फिर न्यू प्रोडक्ट्स में चेंज करती है कम ऑन आई डोंट है वेलू को बोलती है कि देखो मेरे पास तुम्हारी तरह टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है चलो बट वेलू जो है वहां से नहीं हिला

डोंट जस्ट स्टैंड हेर पोज तो वो बोलती है ऐसे पोज दे के मत खड़े रहो यानी कि लुकिंग इंपॉर्टेंट होपिंग टू इम्प्रेस असेंस बढ़िया है तो वो बोलती है ऐसे मत खड़े रहो बिल्कुल एक पोज देते हुए बिग हीरो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू फिल्ड योर स्टमक टुडे तो वो बोलती है ए हीरो ट्राइड टू फिल्ड योर स्टमक टुडे किसने तुम्हारी हेल्प की तो तुम्हारा पेट भरने में तो मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रही हूँ वे लू स्क्रैच डिज हेयर एंड साइड तो वे लू सोच में पड़ गया एंड ही लाइक मैं क्या करूँ सर खुजाने लगता है आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब बट यस उसके पास और कोई काम था नहीं नहीं, तो उसने फिर डिसाइड किया कि ठीक है मैं ये काम अभी के लिए कर लेता हूं जब तक मुझे एक बेटर जॉब नहीं मिल जाती क्लियर ऑल राइट सो विथ फाइनली कम टू एन एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रेन वर्क तो पूरा चैप्टर हमें दिखा क्या रहा है रैक पिकर्स के बारे में ठीक है कि कैसे वैल्यू अपने घर से भागता है विलेज से सिटी आया है वहाँ पे इतनी सारी चीजें देखता है एक फॉर्चुनेटली एक पर्सन मिल जाती है उसको जो उसकी हेल्प करती है एक फ्रेंड बन जाती है उसकी और वो भी वही सेम चीजें कर रही है और उसको भी वही चीज़ें बताती है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है बट जब उसको पता चलता है कि कोई जो चीज़ें हम फेंक देते हैं वो भी किसी के काम आती है किसी के पैसे कमाने का जरिया बनती हैं तो वो शॉक्ड हो जाता है एंड देन वो डिसाइड करता है कि नहीं मैं ये सब चीज़ें नहीं करूंगा बट येस उसके सर्कमस्टांसिस उसको फोर्स करते हैं लेफ्ट ओवर्स खाने के लिए देन जिस चीजों पे उसको डिसगस्टिंग लगती चीज़ है चीजें वो भी उसको खानी पड़ती है देन वो कभी भी ये काम नहीं करता गार्बेज बिन से यू नो कचरा इकट्ठा करने का बट ही हैजू डू इट बिकॉज उसके सर्कमस्टांसेज ऐसे हैं एंड फाइनली वो डिसाइड करता है कि जब तक उसको प्रॉपर जॉब नहीं मिल जाती कोई और काम नहीं मिल जाता उसे यही करना पड़ेगा बिकॉज उसके सर्वाइवल के लिए उसको पैसे चाहिए और ऐसे ही उसको पैसे मिलेंगे सो दिस इज हाउ यू नो एक पर्सपेक्टिव था एक स्टोरी थी जिससे हमें पता चलता है कि क्यों छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम करने के लिए यू नो फोर्स हो जाते हैं काइंड kind ऑफ of उनके साथ ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसकी वजह से उनको ये सब काम करना पड़ता है बट येस इफ वी कैन ट्राई टू डू समथिंग सो दैट वी कैन चेंज द सिनारियो देन डेफिनेटली वी शुड डू इट एंड ऑल्सो यही एक चीज थी एक रैक पिकिंग जो सिस्टम है जो बच्चे छोटे छोटे काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें यू you नो know, बताने के लिए ये स्टोरी दी गई है सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर बिकॉज देर वॉज नथिंग कॉम्पलिकेटेड इन इट एन एन देर वेरी फ्यू वर्ड्स विच व डिफिकल्ट जिनके मीनिंग्स ऑलरेडी थे आपके लिए यहां पर एंड यू अंडरस्टूड वाई एंड वॉट काइंड ऑफ स्टोरी दिस इज एंड इट इज गिवन टू यू क्लियर ऑल राइट चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय